गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, चैप्टर टू, एडिशंस, एक्सरसाइज टू बी एंड एक्सरसाइज टू सी के क्वेश्चन नंबर फोर तक हम इस वीडियो में क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्लास फोर्थ एक्सरसाइज टू बी क्वेश्चन नंबर वन, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको दिख रहा है कि जैसे नंबर दे रखे, साथ में बॉक्स दे रखा है और आगे नंबर दे रखे। 4364 प्लस बॉक्स इज इक्वल टू 4364। 4364 में हम क्या ऐड करें कि वापस 4364 ही मिले, तो हम इसमें जीरो ऐड करते हैं। ओके, बी पार्ट, जीरो में क्या ऐड करें हम कि 9888 मिले हमारे को, तो हम 9888 यही ऐड करते हैं। सी पार्ट, 8679 में जीरो ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 8679। डी पार्ट, 9999 में प्लस वन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो 1 + 9 = 10, कैरी वन हो जाएगा, 9 + 1 = 10, कैरी वन, 9 + 1 = 10, कैरी वन, 9 + 1 = 10, तो हमारे को कितना मिलता है, 10,000। ई पार्ट, 84380, इसमें हम क्या प्लस करें कि हमें 84400 मिल जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर इसमें हम 20 प्लस करते हैं, ठीक है, यहां देखते हैं एक बार, 84380 20 प्लस करा, 8 9 10, कैरी वन, 3 4 4 8, 84400 मिल गया। ठीक है, तो हम इसमें ई वाले में हम 20 प्लस करते हैं। अब एफ पार्ट पर आते हैं, 1676 प्लस 300। ठीक है, अब 1676 में प्लस 300 करते तो हमें क्या मिलता है, देखिए 6 7 6 3 9 और 1 1 9 7 6। अब हम इसका जी पार्ट देखते हैं, 811 + 9, 811 में 9 प्लस करते तो हमें क्या मिला, 820। ठीक है, एच 99 + 139 + 1 = 2। अब हमारे को देखना है कि इसको प्लस करने पर हमें क्या मिलता है, तो हम यहाँ चेक करते हैं, 99 139 + 1 9 10 19 carry 1 9 10 11 12 13 carry 1 2, तो हमारे को क्या मिला, 239। ओके, अब इसी तरीके से आई वाला को कह रहा है 9 2 2 9 2 2, इसमें 18 और 100 प्लस करा, 8 2 10, कैरी 1 2 3 और 1 4 9 और 10, 1040, तो हमें क्या मिला, 1040। ठीक है, अब जे वाला देखते, 7264 7264 में क्या प्लस करें, तो देखिए यहाँ पे भी 7264, यहाँ पे भी 7264 है, तो इसमें हम प्लस करते हैं 829। ओके, फिर आता है के, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर एंड वन इज इक्वल टू, अब आपको कह रहा है कि आपको ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट में वन नंबर लिख लेते हैं अपन, चलो देखते हैं, फाइव डिजिट 1 2 3 4 5, इसमें 1 प्लस करा, 10 10 carry 1 10 carry 1 10 carry 1 10, तो हमारे को क्या मिला, 1 2 3 4 5, 1 10 100 1000 10000 lakh, 1 lakh हमें मिला, 1 lakh। ओके,
एल पर आते हैं, 8649 प्लस 98745 सेम करना है। तो देखिए यहाँ पे भी 98745 है, यहाँ पे भी 98745 है, ठीक है। यहाँ पे 8649 है, यहाँ 8649 नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं 8649। ओके, एम पे आते हैं, देखिए 981 है, यहाँ पे भी है 309 है, यहाँ पे भी है 3110, यहाँ है वहाँ नहीं है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 310। एंड द सक्सेसर ऑफ 3899, ठीक है, सक्सेसर मीन्स जस्ट इसके आगे आने वाला, तो 3899 के जस्ट नेक्स्ट डिजिट आती है 3900। ओके, ऊपर आते हैं, आंसर ऑफ एन एडिशंस ऑपरेशंस इज कॉल, ठीक है, जो एडिशंस करते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, सम। द नंबर विच आर बीइंग एडेड आर कॉल्ड एडेंड्स। ओके, एक्सरसाइज 2 भी हमारी कंप्लीट होती है। क्लास 4th एक्सरसाइज 2C, अ मैन ऑन्स देयर ऑर्चर्स 2, 6, 7, 1, 9, 6, 5, 5, 4, 5 and 2, 3, 7, 9, 1 फ्रूट्स आर पिक रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द दिस ऑर्चर्स, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ फ्रूट्स पैक। एक आदमी है, बागों में से कुछ फ्रूट्स लिए हैं जिनके आपको डिजिट्स दे रखी है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उसने टोटल कितने फ्रूट्स पिक करे हैं, यानी तोड़े हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम, फर्स्ट ऑफ 2, 6, 7, 1, 9, 6, 5, 5, 4, 5 and 2, 3, 7, 9, 1 इन सब का हम कर लेते हैं टोटल। ये पूछ रहा है वो, फाइंड द टोटल नंबर्स, ठीक है, इन सब का हम टोटल कर लेते हैं। 9 plus 1, 10, 10 plus 5, 15 कैरी 1, 9, 10, 10 और 1, 14, 14 और 1, 15 कैरी 1, 7, 7 और 8, 8, 8 और 5, 13, 13 और 7, 20, 20 का 0 कैरी 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कैरी 1, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 11 तो टोटल फ्रूट्स कितने हो गए हमारे पास, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 1,16,055 फ्रूट्स। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 50,639 टूरिस्ट विजिटेड पालमपुर इन मई, 74,230 इन जून एंड 95,736 इन जुलाई, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट दैट विजिटेड पालमपुर ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स, ठीक है। अब जो टूरिस्ट थे वो पालमपुर आए थे अपने मई में आए थे, 50,639, ठीक है, हम लिख लेते हैं मई में कितने आए थे टूरिस्ट, 50,639। उसके बाद जून में, जून में आए हमारे 74,230 एंड जुलाई में आए हमारे 95,736। आगे पूछा, फाइंड द टोटल नंबर, यानी इन 3 मंथ्स में कितने टूरिस्ट पालमपुर आए, फाइंड द टोटल नंबर, ठीक है, टोटल यानी प्लस। अब इसके हम प्लस करते हैं,
9, 9 plus 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Carry 1, 3, 3, 6, 3, 9, 9, 8, 10, carry 1, 6, 7, 7, 14, 15, 16, carry 1, 5 plus 4, 9, 9 plus 1, 10, carry 1, 9, 10, 10, 8, 17, 17 plus 5, 17 plus 5 होते हैं हमारे 22. तो कितने क्रोश लगे? 1, 10, 100, 10,000, 2,20,605 जो कि हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. मिस्टर शर्मा विड्रॉ ₹38,800, ₹30,275, and ₹70,275 from the bank on 3 successive days. How many does he withdraw from the bank? Okay, यानी आपके जो मिस्टर शर्मा है उसने विड्रॉ कराया, यानी पैसे निकाले हैं, कितने विड्रॉ करे हैं? ₹38,800, ₹30,275, and ₹70,275. Okay. आगे आपको कह रहा है कि हाउ मच मनी डज ही विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक, यानी उसने कितनी मनी जो है निकाली है बैंक से. तो हम क्या करेंगे? प्लस टोटल काउंट कर लेते. 5, 5, 10, carry 1, 7, 7, 14, 15, carry 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, carry 1, 8 plus 1, 9, 7 plus 3, 10, 10 plus 3, 13, यानी ₹1,39,350 हो गया हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. रिलीफ फंड वॉज बींग कलेक्टेड बाई रेजिडेंट्स ऑफ अ सोसाइटी टू हेल्प पुअर एंड अनप्रिविलेज्ड पीपल. दे कलेक्टेड ₹60,500 फ्रॉम देयर ओन सोसाइटी एंड ₹1,50,680 फ्रॉम नियर बाय सोसाइटी. हाउ मच मनी डिड दे कलेक्टेड इन टोटल. ठीक है, जैसे कि रिलीफ फंड्स वालों ने हेल्प पुअर्स की मदद करी है. ठीक है, उन्होंने अपने जो कलेक्टेड किए थे रुपीज़ वो थे 60,500, और इसी तरीके से अनप्रिविलेज्ड जो पीपल थे उनके लिए भी जो नियर बाई सोसाइटी से हेल्प ली थी वो थी 1,50,680. आगे पूछा है कि हाउ मच मनी डिड द कलेक्ट इन टोटल, यानी हम कितने टोटल कितनी मनी कलेक्ट हुई थी. ठीक है, तो आइए इसको भी हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे. ₹60,500 and ₹1,50,680 प्लस कर लेते हैं. 0, 8, 6 plus 5, 11, carry 1, 1 का 1, 6 plus 5, 11, carry 1, 1 plus 1, 2. 2,11,180 हो गया आपका आंसर.